अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत पड़ रही, ये तो देखते हैं लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। समझ है खुद कहाँ है जानते हैं, दिल्लियों का जो स्टेटमेंट होता है उसका नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी आपको याद नहीं है, जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। ये लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते, हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते, लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पे जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है पिछली बार आप ही लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए किसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है, कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं करना, तो बोल दिए थे कि कौन क्या करना चाहते करें, लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा, और हमने पूरी कहानी आपको बता दी, जो पूरे देश का सर्वे हुआ था, बिहार का सर्वे हुआ था, पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो जो प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में वो +2 तक की पढ़ाई की हुई है 12वीं कक्षा तक, तो पूरे देश में प्रजनन दर 1.7 और यहाँ तक कि बिहार में ऐसा होने पर और बेहतर 1.6। इसी को लेकर के यूरेका की भावना आई और तत्काल हमने हर पंचायत में +2 तक का स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया, ज़्यादातर हो चुका है, और कुछ जगह पर ज़मीन नहीं मिल रही थी तो वहाँ के मिडिल स्कूल को ही हम लोगों ने बनवा दिया आगे, और बाकी जो 2 है 11वां और 12वां का उसका भी काम हो रहा है, और उसके चलते प्रजनन दर हमारा 4 था वो घट करके 3 पर पहुंचा है। तो जो अगर पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा, ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं, बाकी किसको क्या है, मतलब लड़कियों के पढ़ने पर चिंता है तो जिसको अगर चिंता है तो वो जाने किसको छोड़ करके कहाँ गया है, कहाँ से छोड़ के फिर कहाँ आने वाला है, ये वो ना जानेगा जी, हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं, और हम लोग बिला वजह किसी पर कुछ बोलते नहीं। अभी आप पूछ रहे थे हम बता दें, हम लोगों का अपना अपना विचार है, करता रहे, हम लोग क्या मतलब। दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले नवंबर से लगातार किसान हजारों किसान कृषि विधेयक कृषि कानून को वापस लेने के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोरोना का सेकंड वेव रहा, ठंड रहा, जितने सैकड़ों किसान मारे गए उसमें पड़ गए, तो मुझे ये कहना है कि इतना सेंसिटिव इशू को आप एक नेशनल इशू एक तरह से है, तो आपका क्या विचार है कि ये डेड ड्रॉप कम से कम खत्म होना चाहिए, ताकि एक किसान का भी बात है, एक मानवीय संवेदना भी है जो किसान की बात है, बीच कुछ रास्ता निकलना चाहिए, और आप खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, आप थोड़ा बेहतर उसको समझ करके, और क्या आपका सलाह है कैसे इसको समस्या का निपटारा किया जाए, जो आप बताएं उसके बाद। देखिए ये पर्टिकुलर कुछ राज्यों की बात है जहाँ सबसे पहले ये काम शुरू हुआ, उत्पादकता भी बढ़ी थी और वहाँ से लोगों का खरीदा जाता था अनाज, तो वो उन सब इलाकों में जो नई पॉलिसी बनी है, नई कानून बने तो उसको लेकर के उन लोगों का विरोध है, आपस में बातचीत भी कई बार हुई है, लेकिन इसमें तो इन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों को भी कन्विंस किया जाना चाहिए, बात तो हो ही रही है, लेकिन कोरोना के दौर में इस प्रकार से निरंतर करना ये कोई ठीक बात नहीं, किसी को भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, और केंद्र सरकार ने तो कई बार बातचीत की है तो अभी फिर बातचीत कर लें, लेकिन ये समस्या पर्टिकुलर कुछ इलाकों की,
आप जानते ही हैं, तो हमने तो पहले से बोलते रहे, तो वहाँ के इलाकों की जो बात है वहाँ के बारे में तो केंद्र सरकार की नीति है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की भावना है, तो उनके साथ फिर बातचीत करके इसका समाधान होना चाहिए, यही है। लेकिन हम लोगों का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों का यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हम लोग सारा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, और आप जान रहे थे बिहार में कि अब इस बार से गेहूँ का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने शुरू करवाया बेहतर ढंग से, आगे और करेंगे। तो यहाँ तो बात ही दूसरी है, लेकिन पर्टिकुलर उन जगहों पर जहाँ सबसे पहले प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, वहाँ के लोगों की जो प्रणाली थी, जो काम करने का वहाँ का तरीका था, तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके उस इलाके के लिए क्या होना चाहिए इस पर विचार करके ही फाइनल एक दूसरे से बातचीत। लेकिन हम तो सबसे अनुरोध करेंगे कि भाई कोरोना के दौर में इस तरह से पूरे तौर पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सके, ये देख लीजिए दुनिया भर में समस्या है, और इस तरह की ये चीज़ आ गई है कि एक राउंड नहीं, दूसरा राउंड, अब तीसरे राउंड का खतरा है, तो इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन बातचीत तो होना चाहिए। देखिए रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, तो अपोजिशन पार्टी को तो जिस चीज़ में कुछ करने की इच्छा होती है वही ना करेगा, वो तो एक अलग चीज़ है, उसमें तो कोई अपोजिशन में है उनको अपनी मर्जी क्या करना है वो अपना करे। और वो संघर्ष करने वाले किसान नेता कई बार अपना बिहार यहाँ के किसान से बात की, लेकिन उनका जो मंशा था कि बिहार में भी कोई किसान कुछ करे, ऐसा हो नहीं पाया। ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बिहार में तो ये सब समस्या ही नहीं है, बिहार में तो किसानों में उत्पादकता बढ़ी है और हम लोग उसका प्रोक्योरमेंट भी शुरू, अधिग्रहण भी शुरू किए हैं, तो कितना ज़्यादा सब काम हो रहा है बिहार में, तो यहाँ के किसानों पर तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और आप जान लीजिए कि बिहार में तो हम लोगों ने शुरू से ही ना काम किया है, शुरू से ही काम किया है कि सब लोगों को आज़ाद कर दिया कि साहब कोई भी अपना जहाँ चाहे वहाँ बेचे करे, और यहाँ पर तो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट शुरू किया है, तो आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग कितना तेज़ी से प्रोक्योरमेंट करवाते हैं और लोगों को इसका लाभ मिलता है और हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। फोन टैपिंग से मामला जुड़ा है, इजराइल की एक कंपनी ने फोन टैपिंग किया जिसमें कई मंत्री, जज, पत्रकार शामिल हैं, पार्लियामेंट में काफ़ी आज हंगामा हो रहा है इसको लेकर। क्या वो सब तो समझ लीजिए, और हम तो शुरू से कह रहे हैं आपको, ये जो आ गया है ना नई टेक्नोलॉजी, ये तो आफत करेगी, इस पर गौर करना चाहिए। ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना का इस रूप से क्यों हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा की संभावना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि जब ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है तो चलिए उसका लाभ भी लोगों को मिलता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी लोग करते हैं, ये तो दोनों तरह की बात होती है। तो जानते ही हैं कि किसी चीज़ का उपयोग करना, किसी चीज़ का दुरुपयोग करना, सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट बढ़ गया है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर कोई अगर अच्छी बात भी करता है तो बहुत लोग निगेटिव बात करते रहते हैं, एंटी सोशल काम करते रहते हैं, तो क्या कीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी जब आई है तब से तो ये सब और शुरू हो गया। वो फोन टैपिंग का और फोन के जासूसी का जो टाइमिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2017 से लेकर के वर्ष 2019 मतलब लोकसभा चुनाव के पहले, तो आपको ये लगता है कि पत्रकारों का फोन टैप हो रहा है, पॉलिटिशियन का फोन टैप हो रहा है, मंत्री का फोन टैप हो रहा है, विरोधी दल के नेता का फोन टैप हो रहा है, ये सब तो बड़ी गंदगी, सुप्रीम कोर्ट के जज का फोन, ये तो बहुत फालतू चीज़ है, किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता है, होता ही है, लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है, आप सब लोगों को ज़्यादा मालूम है। हम तो तेल के दाम कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं, आपने पहले भी चिंता जाहिर की इसको लेकर, अब तो 100 पार हो गया है। हाँ वो सब तो ऐसा ये है कि कई बार बिहार सरकार की ओर से आपके समय में टैक्स कम किया गया है, लोगों को मामूली राहत ही सही,
मामूली राहत देने के लिए, तो क्या अभी जो 100 के पार तेल का दाम हो गया है, तो आप अपने स्तर से या केंद्र सरकार से भी अनुरोध या अन्य राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक सामूहिक प्रयास हो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि टैक्स में थोड़ा कमी करके जो भी संभव हो पब्लिक को इस महंगाई से राहत दिलाई जाए तेल के दाम। अभी हम लोगों ने उस पर कभी गौर नहीं किया, ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है, आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है, ये तो देखते हैं लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।